हेलो दोस्तों, गेट्स मेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कैश। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, प्रोसेसर की टेंडेंसी है टू एक्सेस द सेम मेमोरी ब्लॉक अगेन एंड अगेन। मतलब जिस मेमोरी ब्लॉक को उसने रेफरेंस किया है उस मेमोरी ब्लॉक को वो दोबारा भी रेफरेंस कर सकता है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और जनरली होता क्या, हमारे पास लेट्स से मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को हम डिवाइडेड करते हैं किसमें, ब्लॉक्स में। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। लेकिन अब ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। और वैसे तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर कई बार थ्योरी में भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें बेसिकली आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कैश मेमोरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया किसमें, ब्लॉक्स में। और हमारे पास कैश जो है वो लाइंस में या ब्लॉक्स में भी आप बोल सकते हो, लाइंस और ब्लॉक का साइज सेम होता है। तो कैश मेमोरी हमारी लाइंस में डिवाइडेड है। अब हम करते क्या है, बेसिकली हम सारा का सारा डेटा तो यहां पे रख नहीं सकते क्योंकि कैश का साइज छोटा है। तो हम करते क्या है, ब्लॉक्स जो है, ब्लॉक्स को हम कहां पे लेके आते हैं, कैश के अंदर लेके आते हैं। मतलब मेन मेमोरी का डेटा हम कैश के अंदर लेके आते हैं ताकि सीपीयू जो है वो एक्सेस कर सके थ्रू कैश। अब अगर हम बात करें कि कौन सा ब्लॉक हम लेके आ रहे हैं, कैसे हम ब्लॉक्स को रेफरेंस कर रहे हैं, तो वहां पे हम हेल्प लेते हैं किसकी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की। तो बेसिकली ये दो तरीके से करते हैं, स्पेशल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी में जो स्पेशल है इसका मतलब है रिलेटेड टू स्पेस। स्पेस मतलब जगह, जो हम स्पेस की बात कर रहे हैं कि इतने बाइट की हमारी मेमोरी है, दैट इज कॉल्ड अ स्पेस। एंड टेम्पोरल का मतलब है रिलेटेड टू द टाइम, ये टाइम से रिलेटेड है। और ये स्पेस या मेमोरी का जो स्पेस है उससे रिलेटेड है, दैट इज अ स्पेशल लोकेलिटी। तो यहां पे फर्स्ट टू पॉइंट्स हैं, इट इज रिलेटेड टू द स्पेशल, एंड लास्ट टू पॉइंट्स हैं, इट इज रिलेटेड टू द टेम्पोरल। तो सबसे पहले स्पेशल देखो, इफ अ वर्ड इज एक्सेस्ड नाउ, मतलब अगर किसी वर्ड को अभी भी एक्सेस किया है, देन द वर्ड एडजेसेंट टू इट, That is called a close proximity. मतलब अगर हमने एक वर्ड को अभी एक्सेस किया है, let's say कि हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, और अगर हमने let's suppose एक वर्ड को एक्सेस किया है, तो next जो है, मतलब उसका जो adjacent वर्ड होगा ऊपर या नीचे वाला, मतलब next वाला जो भी वर्ड होगा उसको एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। किस केस में, स्पेशल लोकेलिटी में। तो इफ अ वर्ड इज एक्सेस नाउ, देन द वर्ड एडजेसेंट टू इट will be accessed next. तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, लेट्स से हमारे पास जो ब्लॉक है, मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है, उसमें हम करते क्या है, मल्टीपल वर्ड्स को रखते हैं। लेट्स से वर्ड वन, वर्ड टू, वन, मल्टीपल वर्ड्स को हम किसके अंदर रखते हैं, ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर। तो लेट्स से सीपीयू ने अगर जनरेट किया एक एड्रेस, एक अगर एड्रेस जनरेट किया कि मुझे वर्ड नंबर टू चाहिए जो कि ब्लॉक नंबर वन में है, मतलब वर्ड नंबर टू चाहिए ब्लॉक नंबर वन में है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ब्लॉक ले आते हैं किसके अंदर, कैश मेमोरी के अंदर। क्यों, क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं, हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन ही है ये, कि इसके बाद W3 की टर्न होगी या W1 की टर्न होगी। तो अगर W3 या W1 की टर्न होगी नेक्स्ट उसके बाद, तो ऑब्वियसली आपको हिट मिलेगा। कैसे, आपने सबसे पहले W2 को कैश के अंदर लेके आना है। तो जैसे ही आप W2 को कैश के अंदर लेके, लेट्स सपोज वो नहीं था, तो आपका मिस हो गया। लेकिन आपने किया क्या, आपने पूरा का पूरा ब्लॉक यहां पे ले आए कैश के अंदर। तो लेकिन उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशल लोकेलिटी कहता है कि जो उसके एडजेसेंट वर्ड है ना उसकी टर्न है उसके बाद, मतलब उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। तो उससे नेक्स्ट कौन सा है, या तो W3 है या उसका एडजेसेंट कौन है, W1। तो यानी जब नेक्स्ट टाइम सीपीयू W1 को एक्सेस करेगा तो ऑलरेडी वो कैश में है, या अगर W3 को एक्सेस करेगा वो ऑलरेडी कैश में है, W4 को भी एक्सेस करेगा लेट्स सपोज वो भी ऑलरेडी कैश में है। तो यानी मेरे को यहां पे हिट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली है स्पेशल लोकेलिटी। तो इसीलिए इफ अ वर्ड, यहां पे नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं कि कीपिंग मोर वर्ड्स इन अ ब्लॉक अफेक्ट द स्पेशल लोकेलिटी। मतलब अगर एक ब्लॉक में हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके हिट बढ़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक वर्ड में हम ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स को लेके आएंगे तो हम पूरे के पूरे ब्लॉक को ही कैश के अंदर लेके आ रहे हैं। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है कि हमने एक बंदे को कॉल किया तो उससे रिलेटेड जितने भी थे वो भी मेरे, उससे मतलब आसपास जितने भी थे वो भी
कैश के अंदर आ गए तो नेक्स्ट टाइम सीपीयू किसको कॉल करेगा, W3 को या W4 को, विच इज नियर टू W2 जिसको अभी अभी एक्सेस किया है, तो ऑब्वियसली मेरे कैश जो है वो हिट बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिकली फंडा है किसका, स्पेशल लोकेलिटी का। और यहां पे ये दो वर्ड्स आप याद रखना, दैट इज अ ब्लॉक साइज, ये ब्लॉक साइज के ऊपर इफेक्ट करता है। देखो ब्लॉक साइज अगर कम होगा तो कम से कम वर्ड आएंगे, जैसे ब्लॉक साइज लेट्स सपोज एक वर्ड जो है वो एक बाइट का है और लेट्स सपोज हमारा जो ब्लॉक साइज है वो चार है, तो ऑब्वियसली कितने वर्ड आ सकते हैं, चार। और अगर यही मेरा ब्लॉक साइज आठ होगा तो कितने वर्ड आएंगे, एक ब्लॉक के अंदर आठ वर्ड आएंगे, तो ऑब्वियसली मेरी कहीं ना कहीं हिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीपीयू मतलब नेक्स्ट वाला जो है, जो एडजेसेंट है अगला या पिछला, उसी को ही एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो मेरा वो ऑलरेडी कैश के अंदर होगा। ये है बेसिकली किसका फंडा, स्पेशल लोकेलिटी का। और क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब यही है, एडजेसेंट, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट या नेबर जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो ब्लॉक साइज के ऊपर इफेक्ट करता है किसको, स्पेशल लोकेलिटी जो है वो इससे रिलेटेड है, ब्लॉक के साइज से। दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बोला कि ये स्पेस से रिलेटेड है। और दूसरा जो है हमारा टेंपोरल, टेंपोरल मतलब टाइम। टेंपोरल का मतलब क्या है, इफ अ वर्ड इज रेफरेंस्ड नाउ then the same word will be referenced again in the future। मतलब अगर किसी word को हमने अभी अभी access किया है, अभी अभी हमने उसको cache के अंदर लेके आए हैं, तो next time जो है in future उसी word के दोबारा access करने की possibility ज्यादा है। मतलब time, यहां पे आ गया time। जैसे let's suppose हमारे पास, हमने किया क्या, let's say मेरे मेन मेमोरी में ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4, 5, इस तरीके से लेट्स से मल्टीपल ब्लॉक्स मेरे पड़े हैं। अब ये मैं ले रहा हूँ ब्लॉक्स, ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। मैंने ब्लॉक नंबर 1 को मैं कैश में लेके आया, ब्लॉक नंबर 2 को कैश में लेके आया, ब्लॉक नंबर 3 को कैश में लेके आया। अब ब्लॉक नंबर 4 को जब मैं कैश में लेके आऊंगा तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑलरेडी मेरे पास जो अभी अभी कौन सा है, ब्लॉक नंबर 3 आया, जो अभी अभी आया ब्लॉक नंबर 3, तो ब्लॉक नंबर 3 को आप यहां से मत हटाओ, क्योंकि ब्लॉक नंबर 3 जो अभी अभी आया है उसका दोबारा आने का चांसेस ज्यादा है। और यही अगर हम बात करें ब्लॉक नंबर 1, तो ब्लॉक नंबर 1 सबसे पहले आया है, देखो ना इस तरीके से 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास लेट से ब्लॉक नंबर्स हैं। सबसे पहले मैंने 1 को डाला, फिर मैंने 2 को डाला, फिर मैंने लेट से 3 को डाला, अब किसकी टर्न है, लेट से 4 की। तो 4 जब मेरा आएगा यहां पे, तो मैं क्या बोलता हूं कि 3 को मत हटाओ, क्योंकि 3 अभी अभी आया है तो इसके दोबारा फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 2 जो है वो 3 से थोड़ा पहले आया है तो पॉसिबिलिटी तो है लेकिन 3 से कम है, और 1 जो है वो सबसे पहले आया है, मतलब वो 1 जो है वो सबसे पहले आया है पास्ट में, तो इससे आप हटा सकते हो क्योंकि ये बहुत पहले आ चुका है, तो अभी इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो वर्ड अभी अभी आया है, जो अभी अभी आया है उसी के फ्यूचर में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं LRU, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मतलब ये देखो 1, 2, 3, 4 में सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज हुआ है, 1, तो आप 1 से रिप्लेस कर दो, 3 से रिप्लेस मत करो, क्योंकि 3 अभी अभी आया है या अभी अभी उसको हमने रेफरेंस किया, तो फ्यूचर में इसके दोबारा आने की पॉसिबिलिटी इन तीनों से सबसे ज्यादा है। तो ये बेसिकली फंडा है किसका, LRU, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और इसके ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी में LRU वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको हो सकता है कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जहां पे आपको पूछे वो कि स्पेस से रिलेटेड कौन सी है, या ब्लॉक साइज किसके ऊपर इफेक्ट करता है, या जो हमारा LRU किससे हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है और इसके टाइप्स बेसिकली कौन से हैं। थैंक यू।